हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि। सो गाइस, आज का मीसो हॉल में कुछ वेस्टर्न वेयर आउटफिट्स करी हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि कुछ टू पीस ड्रेस है, वन पीस फ्रॉक है, टॉप्स है एंड कुछ मीसो न्यू अराइवल ट्रेंडी बैग्स का भी रिव्यू मैं आपके साथ आज के ये हॉल में शेयर करूंगी। तो बेसिकली गाइस, आज का ये जो वीडियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज गाइस स्टे ट्यून, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आई एम श्योर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। एंड आपके डिमांड के ऊपर आगे और भी बहुत सारा मीशो वेस्टर्न वेयर या एथनिक वेयर या इंडो वेस्टर्न आउटफिट हॉल वीडियोज आ रहा है, तो प्लीज गाइस स्टे ट्यून। सो आज जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ये चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मीशो वेस्टर्न वेयर हॉल वीडियो। वेल गाइस, आज का ये वेस्टर्न वेयर हॉल चलिए एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पीच कलर में एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट या अगर टू पीस ड्रेस का रिव्यू अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो से। एक्चुअली गाइस, ये वाला जो आउटफिट है ना, अगर आपको ये चाहिए तो इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एक क्रॉप टॉप या एक ब्लाउज विद यहाँ पे स्कर्ट विथ अटैच होकर के ये वाला एक दुपट्टा उसके साथ में सेट में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने ये वाला टॉप देख लीजिए। यहाँ पे आपको सीफन कम जॉर्जेट फैब्रिक के साथ रफल का डिजाइन में ये वाला एक क्रॉप टॉप मिल जाएगा काफी रिजोनेबल प्राइस के साथ। इवन गाइस, ये वाला जो आउटफिट है ना, आपको काफी रिजोनेबल प्राइस के साथ मीशो पे मिल जाएगा। विथ यहाँ पे जो एक बॉटम वेयर आई है गाइस, आपने ये वाला बॉटम वेयर देख लीजिए। यहाँ पे बैक साइड में गाइस आपको इलास्टिक वगैरह मिल रहा है, क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। एक्चुअली स्कर्ट नहीं है, ये एक पैंट है। ओवरऑल ये एक सरारा पैंट है, अटैच्ड होकर के आपको एक दुपट्टा के साथ में मिल जाएगा जो कि रफल का डिटेलिंग दी हुई है। एंड ये पैंट का फ्लेयर वगैरह गाइस आप देख लीजिए, काफी ज्यादा फ्लेयर दी हुई है। अंदर यहाँ पे लाइनिंग वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आप दिवाली में कुछ वेस्टर्न वेयर या कुछ इंडो वेस्टर्न लुक ट्राई करना चाहते हो तो गाइस ये वाला आउटफिट परफेक्ट रहेगा। और जो सेकंड वन है गाइस, यहाँ पे ये वाला एक टू पीस ड्रेस का रिव्यू अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे ना आपको ब्लैक कलर में एक बॉडीकन वन पीस ड्रेस एंड विथ यहाँ पे ये वाला एक जैकेट मिल जाएगा सेट में 300 पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला जो आउटफिट है ना, पहनने के बाद काफी प्रिटी लग रहा है। अगर आपको ये वाला कलर ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है तो इसका आपको और भी बहुत सारा कलर ऑप्शन मिल जाएगा 300 पे। तो चलिए पहले ये वाला ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे स्लीवलेस में ना आपको एक बॉडीकन वन पीस फ्रॉक मिल जाएगा। चाहो तो आप इसे मल्टी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसे नॉर्मल ऐसे ही पहन सकते हो। उसके ऊपर पहनने के लिए ना आपको ये वाला जैकेट मिल जाएगा। आप ये वाला जैकेट देख लीजिए, डेनिम फैब्रिक के साथ ये आपको जैकेट मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह के सिक्वेंस का डिटेलिंग वगैरह मिल रहा है, सारे बटन वगैरह दी हुई है, डेनिम इसका फैब्रिक है, दिखने में काफी बड़ी लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर इसे पहन सकते हो, या ये दोनों को भी मल्टीपर्पज के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड ये आउटफिट में गाइस में जो साइज है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। जो थर्ड वन है गाइस, यहाँ पे ये वाला एक क्यूट सा बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। एक्चुअली ना, आप ये वाला बैग देख लीजिए, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, काफी क्यूट है, ऊपर से ब्रांडेड भी है। एंड ये वाला बैग ना आपको मीशो पे काफी रिजॉल्व प्राइस के साथ मिल जाएगा। एंड ये वाला बैग का डिजाइन देख लीजिए, चाहो ना आप इसे सलवार के साथ पैर कर सकते हो, या वेस्टर्न वेयर के साथ, या ब्लेजर वगैरह के साथ तो आराम से कैरी कर सकते हो। दिखने में काफी क्यूट लग रहा है, क्लासी भी लग रहा है। आपको ना यहाँ पे हैंडल पे कुछ इस तरह के सारे पॉल का डिटेलिंग वगैरह मिल रहा है। एंड इसका अंदर का डिजाइन देख लीजिए, अंदर ना यहाँ पे आपको एक जिप मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इसे हैंड में कैरी कर सकते हो, या स्लिंग बैग जैसा भी कैरी कर सकते हो। जो सिक्स्थ वन है गाइस, यहाँ पे ब्लैक कलर में ये वाला टी शर्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस, ये वाला जो टी शर्ट है ना, इसका प्राइस काफी रिजनेबल प्राइस के साथ, इवन गाइस इसका प्राइस काफी रिजनेबल प्राइस के साथ था। तो मुझे लगा कि चलो इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर आप डेली वेयर के लिए या आउटिंग वगैरह के लिए कुछ ढूंढ रही हो इस तरह के टी शर्ट, तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ऊपर से प्राइस वाइज काफी रिजनेबल प्राइस के साथ है। तो यहाँ पे ना आपको ब्लैक कलर में प्योर कॉटन फैब्रिक में ये वाला अगर टी शर्ट मिल जाएगा मीशो पे। अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो इसका आपको और भी बहुत सारा कलर ऑप्शन मिल जाएगा मीशो पे। एंड गाइस, ये वाला टॉप का प्राइस काफी रिजनेबल प्राइस के साथ है। बस इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, काफी थिक फैब्रिक के साथ ही आपको मीशो पे मिल जाएगा। प्योर कॉटन है। एंड फ्रंट में ना आपको ये कुछ इस तरह के डिजाइन मिल जाएगा फ्लावर का। जो फोर्थ वन है गाइस, यहाँ पे पर्पल कलर पे ये वाला है कुछ ट्रेंडी एंड यूनिक बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस, ये वाला जो बैग है ना, अभी ट्रेंड में चल रहा है। ऊपर से इसका कलर जो है आपको पर्पल कलर के साथ आ जाएगा। एंड बेस्ट थिंग गाइस, इसका फैब्रिक का क्वालिटी गाइस आउटस्टैंडिंग है। ये ना आपको ये सारे सिंथेटिक लेदर फैब्रिक के साथ आ जाएगा, जो कि 100% वाटरप्रूफ है। डेफिनेटली गाइस, आप इसे जींस या वेस्टर्न वेयर के साथ आराम से कैरी कर सकते हो, काफी ट्रेंडी लगेगा, यूनिक भी लगेगा। जो फिफ्थ वन है गाइस, यहाँ पे ये वाला एक कोरियन स्टाइल टॉप का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आगे स्पेशली मैं कोरियन स्टाइल
ड्रेस या टॉप्स का रिव्यू आपके साथ आगे शेयर कर दूंगी, इसीलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए ये वाला टॉप का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे आपको बीच कलर में एक बॉडीकन कोरियन स्टाइल टॉप मिल जाएगा मीशो पे। काफी क्यूट लग रहा है, ट्रेंडी भी लग रहा है, ऊपर से इसका कलर काफी यूनिक लग रहा है। फ्रंट का डिजाइन देख लीजिए, यहाँ पे ना आपको ये सारे रफल का डिटेलिंग वगैरह मिल रहा है। क्वालिटी वगैरह काफी अच्छा है, ऊपर से आपको स्लीवलेस के साथ भी आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ना आप कोई भी जैकेट वगैरह को पहन सकते हो। इवन इसका काफी सारा कलर ऑप्शन भी आपको मीशो पे मिल जाएगा। जो नेक्स्ट बॉन है गाइस, सेम यहाँ पे ब्लैक कलर में ये वाला एक टी शर्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी टी शर्ट ना गाइस कैजुअल वेयर के लिए सही है, या आउटिंग के लिए सही रहेगा, या डेली वेयर के लिए भी सही रहेगा। बस ये सारी टी शर्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है, दिखने में काफी प्रिटी एंड क्यूट लग रहा है, लेंथ वगैरह काफी अच्छा है। जींस के ऊपर गाइस ये सारे टी शर्ट को आप आराम से कैरी कर सकते हो। स्लीव तो गाइस ये सारे आपको रेगुलर स्लीव के साथ आ जाएगा। फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है, ऊपर से इसका जो फैब्रिक है ना काफी थिक है गाइस, आप देख सकते हो। डिजाइन वगैरह काफी अच्छा लग रहा है। जो नेक्स्ट बॉन है गाइस पर्पल कलर में ये वाला एक और ट्रेंडी बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस ये सारे बैग ना अभी ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर से कलर भी इसका पर्पल कलर के साथ है, एंड इसका डिजाइन वगैरह इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर से इसका क्वालिटी काफी बड़ी लग रहा है। अगर आपको पर्पल कलर नहीं चाहिए तो इसका आपको अभी बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएगा मीशो पे। अगर हम इसके फैब्रिक के बारे में बात करेंगे तो गाइस इसका जो फैब्रिक है ना आपको सिंथेटिक लेदर फैब्रिक के साथ आ जाएगा। जो नेक्स्ट वॉन है गाइस यहाँ पे ये वाला एक बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस आप ये वाला बैग देख लीजिए, एक्चुअली ना इसका प्रिंट मुझे काफी यूनिक लगा, डिजाइनर लगा, ट्रेंडी भी लगा। आप इसका प्रिंट देख सकते हो, काफी यूनिक लग रहा है ना। नॉर्मली हम पाइथन प्रिंट में या एनिमल प्रिंट में बैग वगैरह कैरी करते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रिंट है ना मुझे काफी अच्छा लगा, प्रिटी भी लगा, और बस प्राइस वाइज काफी रिजनेबल प्राइस के साथ था। एंड इसका डिजाइन वगैरह देख लीजिए, फ्रंट में गाइस यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का एक जिप मिल रहा है, जिपर का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। एंड इसका जो फैब्रिक है ना आपको गाइस सिंथेटिक लेदर फैब्रिक के साथ आ जाएगा। यहाँ पे हैंडल दी हुई है लॉक के साथ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेन वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉन है गाइस यहाँ पे मस्टर्ड कलर में ये बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप ये बड़ा बैग देख लीजिए, कलर तो इसका आपको मस्टर्ड कलर के साथ आ जाएगा, ऊपर से दिखने में काफी क्लासी एंड यूनिक लग रहा है। वेस्टर्न वेयर के साथ कैरी करने के लिए ये वाला बैग परफेक्ट रहेगा, ऊपर से काफी हल्का भी है, लाइटवेट भी लग रहा है। डेफिनेटली ये सारे बैग्स ब्रांडेड नहीं है बट दिखने में ब्रांडेड लग रहा है। अंदर गाइस यहाँ पे आपको एक बेल्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉन है गाइस यहाँ पे कॉटन फैब्रिक में ये वाला एक ट्रेंडी हैंडबैग का रिव्यू मैं आपके साथ, नॉट हैंडबैग, ये वाला एक स्लिंग बैग का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये वाला जो बैग है ना आप इसे डेफिनेटली मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो। मुझे ये वाला बैग ना गाइस काफी ट्रेंडी लगा। अगर आप एथनिक वेयर के साथ कुछ इस तरह की बैग कैरी करना चाहते हो तो ये वाला बैग परफेक्ट रहेगा। चाहो तो आप इसे वेस्टर्न वेयर के साथ भी कैरी कर सकते हो, आपको एक इंडो वेस्टर्न लुक प्रोवाइड करेगा। ऊपर से आप इसका क्वालिटी वगैरह देख लीजिए, दिखने में काफी क्लासी एंड यूनिक लग रहा है। डेफिनेटली गाइस ये एक एथनिक बैग है, क्वालिटी वगैरह काफी अच्छा है, एंड ये जो सारे ओवन का वर्क वगैरह की हुई है ना ये सारे काफी अच्छा लग रहा है। वेल गाइस अगर आपको इनमें से कोई भी आउटफिट चाहिए या कोई भी बैग चाहिए तो सारे प्रोडक्ट्स का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अगर आप आगे कुछ इस तरह की स्पेशली बैग के ऊपर हॉल वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड आपके डिमांड के ऊपर आगे और भी बहुत सारा मीशो हॉल वीडियोज आ रहा है, तो प्लीज गाइस स्टे ट्यून। आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड उसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।